The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में, फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। आप सिंपली अपने टॉपिक के बारे में ढूंढने के लिए वीडियोस, अपना टॉपिक और डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पर टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। सारे वीडियोस ऑथेंटिक, वेरीफाइड है, US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से रेफरेंस्ड है। तो आज हम बात करने वाले हैं एथलीट्स फुट के बारे में। एथलीट फुट एक इन्फेक्शन है जो कि एक फंगस के वजह से होता है और इसको मेडिकल लैंग्वेज में टीनिया पेडिस या रिंग वर्म ऑफ द फुट कहते हैं। रिंग वर्म कोई वर्म नहीं है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है और ये एथलीट्स में बहुत कॉमनली होता है, इसलिए इसे एथलीट्स फुट कहते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे डायग्नोस, कैसे ठीक करें, सब बताएंगे, देखते रहिए। सो एथलीट फुट इज बेसिकली तब होता है जब एक फंगस आपके स्किन के अंदर, आपके फीट के अंदर ग्रो करता है। ये सेम फंगस और भी जगहों पे ग्रो कर सकता है, आपकी बॉडी पे, आपके बालों पे, आपके ग्रोइन रीजन पे, राइट, बहुत सारी जगहों पे। लेकिन बहुत कॉमन है इसका आपके पैरों में, आपके टोज के बीच में, आपकी उंगलियों के बीच में, पैर की उंगलियों के बीच में ग्रो करना। और एथलीट्स को ये बहुत कॉमनली हो जाता है और ज़्यादातर इसमें जो फंगस मिलता है वो है टीनिया इन्फेक्शन, टीनिया का फंगस। और ये टीनिया वाला जो फंगस है, ये क्या है कि ये वार्म और गीली और गर्म जगहों पे, गी मॉइस्ट और वार्म जगहों पे बड़ी आराम से रह लेता है, बहुत आसानी से ग्रो करता है। और इसीलिए एथलीट्स को या उन लोगों को जो बहुत क्लोज्ड शूज़, बहुत बंद जूते पहनते हैं, खासकर प्लास्टिक की लाइनी वाले, उनको ज़्यादा आसानी से हो जाता है। वो लोग जो अपने पैरों को गीला रखते हैं ज़्यादा देर के लिए, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, या जिनको पैरों में माइनर भी कोई माइनर स्किन इंजरी या नेल इंजरी हुआ, उनमें बहुत कॉमन है। एथलीट फुट जो है आसानी से फैल जाता है, इसीलिए बहुत कॉमनली फैल जाता, सबको हो जाता है। ये कैसे फैल सकता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आप चले गए किसी के आइटम्स के, जैसे जूते के, जुराबे, सॉक्स, स्टॉकिंग, शावर के, शावर में एक ही शावर में इस्तेमाल कर लिया, स्विमिंग पूल वाला शावर है, स्विमिंग पूल वाला सरफेस है, वहाँ पर कोई एथलीट फुट वाला उफा फैला देगा, सबको फैला देगा, बहुत आसान है, राइट। आपको होगा तो क्या होगा, आपके पैरों के भी उंगलियों के बीच में वहाँ पर फ्लेकिंग, क्रैकिंग, पीलिंग होगी स्किन की, वाइटिश कलर की हो सकती है, पीलिंग हो सकती है इस तरह की, और उसके अलावा रेडिश भी हो सकता है, इचीनेस, खुजली भी हो सकती है, बर्निंग या टिंगलिंग पेन भी हो सकता है, इवन छोटे छोटे ब्लिस्टर्स आ सकते हैं जिसमें ऊजिंग, क्रस्टिंग हो सकती है। और ये फंगल इन्फेक्शन नेल्स तक फैल सकता है, नेल्स में फैल गया तो नेल्स जो होंगे आपके डिसकलर्ड, अलग कलर के हो जाएंगे, मोटे, थिक हो जाएंगे और इवन क्रम्पल हो जाएंगे, ठीक है। और ये एक ही था, दूसरी जगहों पे भी हो सकता है, एक साथ में आपके ग्रोइन में हो गया, जहाँ पैंट के अंदर खुजली हुई वहाँ भी हो सकता है, राइट। तो खुजली करने से उसके ऊपर बैक्टीरियल का इन्फेक्शन ऊपर से भी हो सकता है, तो इसीलिए इसको पहले डायग्नोस करें फिर ठीक करें। डायग्नोसिस के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट देख के बता देंगे फंगल इन्फेक्शन है, और ज़रूरत पड़ने पे एक सिंपल ऑफिस के अंदर थोड़ा सा स्किन स्क्रैपिंग लेके माइक्रोस्कोप KOH एग्जाम किया, देखा, उसे पता चल जाएगा। स्किन कल्चर कर सकते, देखते हैं, या स्किन बायोप्सी करके देख सकते हैं बहुत रेयर कंडीशंस में, अगर बहुत ही ज़्यादा डाउट है तो। ट्रीटमेंट ओवर द काउंटर एंटी फंगल पाउडर, एंटी फंगल क्रीम, बहुत आसानी से आपका ये प्रॉब्लम कंट्रोल कर लेंगी। इसमें क्या क्या होता है दवा, इसमें होती है एंटी फंगल मेडिसिन, कौन सी, मीकोनाजोल, क्लोट्रामाजोल, ट्रबिनाफिन या टोलनाफ्लेट, ये सब में से कोई भी हो सकती है, राइट। इनको यूज़ करना है, एरिया पे लगाना है, बाहर से शुरू करके धीरे धीरे अंदर जाना है, हर बार हाथ धोना है, और इसको 1-2 हफ्ते तक लगाना है, इवन ठीक होने के बाद भी, यानी पहले तो ठीक होने को इसको थोड़ा वक्त लगेगा और ठीक होने के बाद 1-2 हफ्ते और लगाना है, 3-4 हफ्ते ठीक होने में, 1-2 हफ्ते और लगाना है, नहीं तो वापस आने के चांसेस हो सकते हैं। वापस आता है अगर बार बार वापस आ रहा, 4-6 हफ्ते हो गए नहीं ठीक हो रहा, तो आप डॉक्टर के पास जाके दिखाइए। इन एडिशन इसके अलावा उस एरिया को ड्राई रखना पड़ेगा, क्लीन रखना पड़ेगा, खासकर उंगलियों के बीच में, आपको अपने पैरों को ठीक से धोना है, साबुन पानी से धोना है और कम्प्लीटली ड्राई करना है केयरफुली, और इसको दिन में 2 बार करना है।
आपको अपने पैरों के बीच में, उंगलियों के बीच की जगहों को सही से साफ करना है कॉटन से, वूल से, राइट, रुई से। उसके अलावा कॉटन की जुराबें पहननी है और हर बार जुराब चेंज करने की कोशिश करिए। हर बार शू एक दिन छोड़ के शूज़ पहनिए। सूखने का टाइम दो अपने शूज़ को, दो तीन पेयर्स रखो शूज़ के, अलग अलग शूज़ पहनो। कभी अगर पब्लिक शावर पे जा रहे हो, पूल्स पे जा रहे हो, तो सैंडल्स या फ्लिप फ्लॉप पहनो, शूज़ मत पहनो। एंटी फंगल ड्राइंग पाउडर, एंटी फंगल पाउडर यूज़ करिए अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो। अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो और आप खुद ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक लोग, एथलीट्स बहुत ज़्यादा शावर करते हैं, तो एंटी फंगल पाउडर यूज़ करिए पैरों में, अपने शूज़ के अंदर, पैरों के ऊपर डस्ट करिए दिन में कम से कम एक बार, राइट। और ऐसे शूज़ पहनिए प्रिवेंट करने के लिए जिसमें हवा जाती हो, जैसे नेचुरल मटेरियल से बने हो, या तो कैनवस शूज़ या लेदर शूज़ पहनिए, ना कि प्लास्टिक शूज़, प्लास्टिक लाइन शूज़, वो थोड़े से ज़्यादा एयर प्रॉब्लम करेंगे। और अगर एथलीट फुट हो गया है और 2 से 4 हफ्ते के बीच में बेटर नहीं हो रहा सेल्फ केयर के, बार बार वापस आ रहा, तो डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट आपको दवा देंगे, गोली देंगे खाने के लिए जो एंटी फंगल होंगी, उसके साथ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिख रहा स्क्रैचिंग की वजह से, उसके लिए मेडिसिन, या फिर टॉपिकल क्रीम देंगे जो कि फंगस को मार देगी। तो इस तरह से आप फंगल से निजात पा सकते हैं। और बड़ी आसानी से एथलीट्स फुट जो है हर बार, ऑलमोस्ट हर बार, सिंपल अपने खुद के सेल्फ केयर को रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन ये वापस बार बार आ सकता है। अगर बार 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 आ रहा है, अगर लंबे समय तक दवा लेने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर के पास जाना है। और अगर ये इन्फेक्शन टो नेल्स, नेल्स तक फैल गया, तो भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपका फुट सूजन आ गई, फुट में स्वेलिंग आ गई, उंगली दुख रही है, वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा पस है, बहुत फीवर टाइप आ रहा है, तो वो हो सकता है इन्फेक्शन फैल गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऊपर से हो गया हो, तो भी आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। देखिए, यही है फंगल इन्फेक्शन, इसी को रिंग वर्म कहते हैं, इसी को टीनिया पेडिस कहते हैं, यही चीज़ है जो एथलीट्स फुट है, बहुत कॉमन है एथलीट्स में। इसलिए हर एथलीट, हर स्पोर्ट्स पर्सन, हर इंसान जो स्विमिंग पूल में जाता है, उसको जानना ज़रूरी है। सिर्फ आपके जान लेने से आपको प्रिवेंट नहीं होगा, सबको पता होगा तो सब केयर करेंगे, तो किसी को नहीं होगा, वरना आपको भी बड़ी आसानी से होगा। इसीलिए इसको शेयर करो, इसको सबको बताओ। खासकर अगर आप ऐसी कोई जगह जाते हो, स्विमिंग पूल या ऐसे कोई स्पोर्ट्स सेंटर में, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के अंडर आपका पाला पड़ता है, आसपास जाते हैं, तो सबको बताओ, बिकॉज कोई और खुजा के आपको भी टच कर देगा, आपको भी हो जाएगा। वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, एवरीबडी शुड नो अबाउट दिस। सो मेक श्योर टू वेयर दिस, शेयर दिस वीडियो, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।